हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होगी रेलवे के लिए। रेलवे के जो पेपर आ रहे हैं यानी जो कल से पेपर स्टार्ट हैं उनके लिए मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर की तरह लाया हूँ। कुछ 20 क्वेश्चन होंगे ये मैथ्स के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखे, हो सकता है कि आपके ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे ये वीडियो आपका। और क्वेश्चन जो है ये ही नहीं आएंगे, इनके जैसे क्वेश्चन आएंगे, मेथड्स ये रहेंगे और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेवल ये रहेगा, मेथड ये रहेंगे, बस क्वेश्चन की वैल्यू चेंज होगी। तो ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द रेशियो इन विच द राइस एट ₹7.2 पर kg बी मिक्सड विद राइस एट ₹5.7 पर kg टू प्रोड्यूस अ मिक्स वर्थ ₹6.3 पर kg इज। तो ये बोल रहा है कि एक ₹7.20 का एक चावल है और ₹5.70 का एक चावल को मिक्स करें, किस रेशियो में मिक्स करें कि उसका जो प्राइस है वो ₹6.30 पड़ जाए अपन को। तो ये जो है सिंपल एलिगेशन का आ गया, एलिगेशन एंड मिक्सचर का आ गया। तो अपन सीधे इसका आंसर देखते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, पहली क्वांटिटी अपन को दे रखी है ₹7.20, दूसरी क्वांटिटी हमको दे रखी है ₹5.70 और हमको जो जिस प्राइस में इसको बेचना है वो है ₹6.30। तो हम क्या करते हैं, इसको लेस कर देते हैं। ₹7.20 में से ₹6.30 लेस करेंगे तो इसका आंसर सामने आएगा, जो कि होगा ₹90। और ₹6.30 में से ₹5.70 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹60। अब बस इसका रेशियो निकाल लेना है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट होके ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये थ्री से कट के 3:2:3 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये काफी इजी होते हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज। तो ये पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अपन को प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं डिफरेंस निकालने के लिए, लेकिन इसमें कंडीशन है ये केवल 2 ईयर्स के लिए ही लगता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए CI-SI ये जो करना होता है, इसकी सीधी ट्रिक होती है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ठीक है, अपन को प्रिंसिपल, अपन को डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल गिवन है 8,000, रेट गिवन है 5% अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ये 5 से कैंसिल आउट होके ये आ गया 20 एंड ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 एंड 20 का स्क्वायर 400। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 20 अपना आंसर आया। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ₹20। तो ये अपन ₹20 इसका अपना आया सेकंड का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड विद अ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड एट ₹20 per m². तो ये पूछ रहा है कि एक कमरे को अपन को कारपेट बिछाना है जो कि 12 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, और उस पर जो कारपेंटर वो कारपेट बिछेगी वो 75 सेंटीमीटर वाइड होगी, चौड़ी होगी। तो हमको लेंथ निकालनी है उसकी एक तरह से, और उसकी क्या रेट पड़ेगी अपन को। तो सबसे पहले हमको जो थर्ड क्वेश्चन के लिए निकालना पड़ेगा वो होगा उसका एरिया। तो सबसे पहले रूम का एरिया निकालेंगे हम। एरिया हो जाएगा 12 × 8। ठीक है, 12 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड बोला था, जो कि हो गया 96 मीटर स्क्वायर। अब जो हमको लेंथ दे रहे वो वाइड दे रखा है, कारपेट कितनी वाइड है कितनी चौड़ी है वो दे रखा है सेंटीमीटर में। तो हमको उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो 75 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100 मीटर, जो कि हो जाएगा 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 मीटर भी लिख सकते हैं, ये कट के हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमको निकालनी है कॉस्ट। तो अब कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, वाइड ऑफ वो कितनी वाइड है कारपेट, विड्थ तो निकालनी है, तो 3/4, तो 4 चल जाएगा ऊपर इंटू ₹20 per m² है।
तो बस इसको कैंसिल आउट करना है 32 जा, एंड ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 2560, 2560 रुपीज हमारे लगेंगे उसको कारपेट करने में, ठीक है, पूरा रूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है, 598 प्लस 479, 598 प्लस 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर डिवाइड बाय 598 इंटू 479। अब आप ये देखेंगे कि ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी, यही है अपन आइडेंटिटी टर्म में लिखे तो ये जब ऊपर वाली टर्म अपन सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 4ab। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एंड में ही बचेगा 4ab, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अपॉन ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट और इसका आंसर आएगा 4। तो हमको इस टर्म्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसका डायरेक्ट आंसर निकला है जो कि है 4। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है वो है कुछ इस तरह, 4a इक्वल्स टू 5b, इफ 4a इक्वल्स टू 5b एंड 8b इक्वल्स टू 9c, देन फाइंड a इज टू b इज टू c। हमको रेशियो निकालना है तो सिंपल हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 4a इक्वल्स टू 5b गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। एक चीज तो ये गिवन है, दूसरी गिवन है 8b इक्वल्स टू 9c, 8b इक्वल्स टू 9c, तो b अपॉन c अपना हो जाएगा 9/8। बस इसके बाद कुछ नहीं बचा अपना, सॉल्व हो गया है, तो a इज टू b इज टू c निकालना है, तो a इज टू b अपन को गिवन है 5 इज टू 4, तो 5 इज टू 4, और ये गिवन है अपन को 9 इज टू 8। इसको सॉल्व करने का मेथड होता है जिगजैग, ये फिर यू फिर ये, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 5 9 जा 45, 4 9 जा 36 एंड 4 8 जा 32। 5 9 जा करा है पहले जो कि ये आंसर आ गया, 9 4 जा करा है ये आ गया, एंड 4 8 जा करा है तो ये आंसर आ गया अपना, और ये ही इसका रेशियो है, ये ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास है, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹572 अ मैन गेन्स 30%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज। तो ये हमसे कह रहा है कि कोई आदमी अगर एक चेयर को 572 रुपीज की बेचता है तो उसको 30% प्रॉफिट होता है, तो हमको निकालनी है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। ये काफी इजी होता है, हमको क्या दे रखा है, 572 रुपीज में उसने बेची है जो कि क्या है 30% प्रॉफिट पे, तो 100% तो इसकी हो गई कॉस्ट प्राइस प्लस 30% इसका प्रॉफिट, तो यानी ये टोटल जो है ये है 130%। तो 572 कितना परसेंट है दोनों को मिला के है, तो ये हो जाएगा 130% इंटू, हमको निकालना क्या है उसकी क्या कॉस्ट थी, यानी 100% निकालना है उसका, तो इंटू 100% कर देंगे, बस इससे आंसर आ जाएगा अपना, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 गया, 13 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 13 4 जा 52 एंड वापस 5 बचेगा, तो 52 44 इंटू 10 इक्वल्स टू 440 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कुछ इस तरह है, सेवेंथ क्वेश्चन है, ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 डेज व्हाइल बी अलोन कैन बिल्ड इट इन 40 डेज। ए जो है एक दीवार 30 दिन में बनाता है, बी जो है वही दीवार 40 दिन में बना देता है अकेले। इफ दे बिल्ड इट टुगेदर एंड गेट अ पेमेंट ऑफ 7000, व्हाट इज बी शेयर। तो कह रहा है अगर वो दोनों साथ मिलके काम करते हैं और उनको पेमेंट मिलता है 7000 का, तो बी का शेयर क्या होगा। तो इसका काफी सिंपल सा एक ट्रिक होती है, हम जो है पेमेंट को बांटते हैं एफिशिएंसी के रेशियो में। अब ये जो दिया हुआ है अपन को, ये हमको दिया हुआ है कितना टाइम लगा है, तो सेवेंथ क्वेश्चन में हम निकालेंगे पहले ए इज टू बी, जो कि निकला है अपने पास टाइम में दिया हुआ है, ए जो है 30 दिन ले रहा है, बी ले रहा है 40 दिन, तो इसका रेशियो आ गया 3:4। एफिशिएंसी की रेशियो में क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो जो है इसका रिवर्स होता है, टाइम का रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा 4:3। किसका रेशियो आ गया, ये एफिशिएंसी का, यानी 4 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो।
अब हमको सिंपल क्या निकालना है, बी का शेयर, तो बी शेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7,000 में से बी का जो है वो 3 हो जाएगा, 3/3, इन दोनों का सम आता है, रेशियो निकालना है सिंपल 7, तो ये आ जाएगा अपना 3,000 रुपये। 3,000 रुपये मिलने चाहिए बी को उसके काम के लिए। तो ये हुआ 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। तो 8th क्वेश्चन जो है अपना वो है, अ मैन राइड हिज बाइसिकल कवर अ मैन राइडिंग हिज बाइसिकल कवर 150 मीटर इन 25 सेकेंड, वॉट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 150 मीटर 25 सेकेंड में कवर करता है अपनी साइकिल पर, तो उसकी स्पीड बतानी है लेकिन किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमको गिवन है 150 मीटर और टाइम गिवन है 25 सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हो गया मीटर पर सेकंड में आंसर, लेकिन हमको जो निकालना है किलोमीटर पर आर, तो 150 अपॉन 25, ये तो मीटर पर सेकंड में है स्पीड, लेकिन इसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 कर देते हैं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाने के लिए 18/5 कर देते हैं, उससे अपना आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 जा एंड ये 5 5 जा, 5 6 जा, तो 18 6 जा हो जाता है अपने पास, 108/5। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21.6, 21 नीचे लिख लेते हैं, 21.6 किलोमीटर पर आर, जिसमें हमको आंसर निकालना था, ये उसमें अपनी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अपन आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमको गिवेन है वो कुछ इस तरह है, इफ एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन स्क्वायर, एम नंबर का जो एवरेज है वो एन स्क्वायर है, एंड दैट ऑफ एन नंबर इज एम स्क्वायर, और एन नंबर का जो एवरेज है वो है एम स्क्वायर। तो हमको जो एवरेज फाइंड करना है वो एम प्लस एन का फाइंड करना है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, इसकी ट्रिक होती है एक, अगर आपको नहीं भी आती है तो मेरी एवरेज वाले आप टॉपिक जरूर देखें। इसकी होती है क्वांटिटी इंटू एवरेज इक्वल्स टू सम। तो हमको सबसे पहले दिया हुआ है कि एम नंबर का एवरेज एन है, तो क्वांटिटी क्या है, एम एवरेज है एन स्क्वायर, ये इंटू हो जाएगा, तो सम जो आएगा वो इसको इंटू करने पे आएगा, यानी एम इंटू एन स्क्वायर, ये हो गया इसका सम। नेक्स्ट बात करते हैं, एन क्वांटिटी का एवरेज है एम स्क्वायर, तो इसका सम आ जाएगा एन एम स्क्वायर, एन इंटू एम स्क्वायर। अब जब हम इसका सम करेंगे यानी इनको प्लस करेंगे, तो क्वांटिटी ऐड हो जाती है, सम ऐड हो जाता है, लेकिन एवरेज कभी ऐड नहीं होता है। तो ये हो जाएगा एम प्लस एन इंटू, इसको अपन एवरेज ही लिख देते हैं, जो कि हमको फाइंड करना है, इसी का तो एवरेज फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा एम इंटू एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एम स्क्वायर, यानी ये प्लस ये। तो अब इसमें से कॉमन आ रहा है एम और एन, तो अंदर बचेगा एन प्लस एम, और यहां पर है एम प्लस एन इंटू एवरेज। तो ये देखिए, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो एवरेज बचा है, जो इसका आंसर आएगा एवरेज इक्वल्स टू एम इंटू एन, ये इसका आंसर होगा एवरेज का, ठीक है। तो ये काफी इजी था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि काफी इजी है क्वेश्चन नंबर 10 अपना, आपको देखने में लग रहा होगा। ये कह रहा है 35,614 माइनस 26,889 को जब डिवाइड करेंगे हम 25 से तो क्या आंसर आएगा। तो आपको इसको डायरेक्ट ही कॉपी में ऐसे ही लिखना है 35,614। अब आगे माइनस ना लिख के अपन नीचे माइनस लिखेंगे, क्योंकि वो इजी करना है अपन को, तो सीधे सॉल्व करना है। तो 26889, 26889 को लेस कर देंगे अपन, बोरो लेना पड़ेगा तो बोरो ठेठ यहां से ही आएगा लास्ट से, तो 14 माइनस 9 अपने पास बचेगा 5, देन 10 माइनस 8 अपने पास बचेगा 2, एंड यहां पर 15 माइनस 8 अपने पास बचेगा 7, 14 माइनस 6 अपने पास बचेगा 8, एंड यहां पर 0 ही बचेगा। अब इसको अपन को डिवाइड करना है 25 से, तो इसकी एक ट्रिक होती है जो कि आपने मेरी डिवाइड वाली वीडियो में देखी होगी। अपन क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं 4/4 से। तो जब 4 से ऊपर वाली को इंटू करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 0 4 2 जा 8 प्लस 2 10, तो 1 0 10, यहाँ पे 1 बोर हो गया। 7 4 जा 28 प्लस 29, तो 2 9 8 4 जा 32, 33 34, और 2 के पहले डेसिमल लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 349।
ठीक है, तो ये हुए अपने यहाँ तक 10 क्वेश्चन, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 20 क्वेश्चन है टोटल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको स्किप ना करें, ये आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि है फाइंड HCF ऑफ 42, 63 एंड 140। तो 11th क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, अपन को HCF फाइंड करना है 42, 63 एंड 140 का। तो इसमें आपको सिंपल एलसीएम की तरह लगाना होगा इसका मेथड। तो हम जैसे एलसीएम निकालते हैं, हम वैसे ही निकालेंगे, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होगा, हम केवल जो कॉमन है केवल उसी से डिवाइड देंगे। अब आप देखेंगे कि एलसीएम में हम पहले 2 से डिवाइड दे देते थे, पर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 2 से डिवाइड नहीं देंगे इसको। जो कॉमन है, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ठीक है 2 से नहीं करेंगे। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं करेंगे। 5 से केवल ये डिवाइड हो रहा है, 5 से भी नहीं करेंगे। देन लेंगे 7, तो 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो 7 एक कॉमन फैक्टर है इनका। तो 7 ये हो जाएगा 7 6 जा, 7 9 जा एंड 7 20 जा। तो पहला तो आ गया 7। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 2 से नहीं जा, ये 2 से जा रहा है, ये 2 से नहीं जा रहा है, तो 2 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये अलग अलग डिवाइड होगा। तो हमारा जो HCF आएगा वो आएगा केवल कॉमन फैक्टर्स, तो 7 जो है इसका HCF हो गया। ये डायरेक्ट मेथड होता है निकालने का, काफी इजी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है, वो दे रखा है द एज ऑफ फादर एंड सन इज 1100 ईयर्स। ठीक है, 5 years ago देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये कह रहा एक पिता और बेटे की आयु जो है वो 100 साल है मिलाने पर, यानी सम करने पर। 5 साल पहले उनकी जो एज का रेशियो था वो था 2:1, दो दो और एक के अनुपात में था। तो ये पूछा द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स विल बी। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, तो अपना 12th क्वेश्चन जो है हम ले लेते हैं यहाँ पर फादर, और ये आगे सन, इधर ले लेते हैं अपन ईयर। ठीक है, तो अब ये पहले बात कर रहा है 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले जो इनका रेशियो था वो था 2:1, तो हम इसको 2x और 1x ले लेते हैं। ठीक है, अब जब ये प्रेजेंट में आया यानी अभी, तो 5 साल इनके इनके जुड़ गए, तो ये हो जाएगा 2x+5 और ये हो जाएगा x+5। और ये हमको कह रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 100। तो 2x+5+x5=100 है। तो अब हमको x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ये हो जाएगा 2x+x यानी 3x=100, और ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -10। तो x=90/3, तो अपने पास आ जाएगा x 30। तो इस साल की जो वैल्यू आ जाएगी, अपने पास x की वैल्यू आई 30, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 या 60+5 65 एंड ये 35। हमसे पूछ रहा है ये कि वो 10 साल बाद कितने का होगा, तो हमको निकालना है +10 ईयर्स का। ये तो आगे प्रेजेंट की, तो प्लस इसमें 10 साल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 45। इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 15 5 जा एंड 15 3 जा, तो 5:3 इसका राइट आंसर है, मतलब उनकी एज इस रेशियो में रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 12 आवर्स, बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन। ये कह रहा है ए जो है 8 घंटे में काम कर लेता है, बी 12 घंटे में काम कर लेता है, तो पूछ रहा है कि ए और बी मिलके कितने घंटे में काम कर लेंगे। तो इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ए कर रहा है 8 घंटे में, बी कर रहा है 12 घंटे में। तो ये पूछ रहा है ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर कितने टाइम में कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a(b)(a+b), बस डायरेक्ट सिंपल आंसर आ जाएगा अपना। तो 8×12 / a 8 हो गया, b 12 हो गया, और a+b यानी 8 और 12 हो जाएंगे अपने 20। बस इसको कैंसिल कर लेना है 5 जा, तो ये हो जाएगा 24/5 यानी 5 4 जा 4, 4/5 घंटे में ये पूरा काम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो ये हमको बोल रहा है वो कह रहा है हाउ इज 0.5% एक्सप्रेस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो आधा परसेंट जो है उसको हमको डेसिमल फ्रैक्शन में बताना है, तो 0.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5%। बस अब इसको सॉल्व कर ले,
0.5% का साइन हटते अपॉन 100 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जा जाएगी 0.005। ये इसका राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के दे देते हैं, बाकी हो जाते हैं आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है वो कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 2.4 मीटर। अब देखो ये इसने दे दिया हमको एक स्क्वायर दे दिया जिसकी सारी साइड बराबर होती है, तो ए ए ए ए ले लेते हैं, एक डायगनल दे दी डी। इसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डायगनल निकालने का, ए रूट टू। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, आप देखें तो यही आंसर आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हमको डी दिया हुआ है 2.4 इक्वल्स टू ए निकालना है रूट टू, तो ए जो हमारे पास हो गया 2.4 अपॉन रूट 2। हमको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, तो हम कर लेंगे 2.4 का स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर, यही हो गया। तो ये जो अपना रहा आंसर आएगा वो आएगा 24 का स्क्वायर निकाल लें आप, जो कि होता है 576। ठीक है, तो 576 और उसमें डेसिमल लगा दे 5.76, दो डेसिमल आ जाएंगे अपॉन टू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 6 जा एंड सॉरी ये यहाँ पे 6 आएगा, 2.88 इसका आंसर आ गया मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। तो ये काफी इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी आता है जो कि फिक्स होता है, तो हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है ए बी एंड सी डी आर लाइंस, पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी एंड अ लाइन पी क्यू मीट सी डी एट आर, इफ एंगल बी पी आर इज 30 डिग्री देन फाइंड एंगल सी आर क्यू। इसका डायग्राम बना लेना है, हमको दो लाइन दे रखी है ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी दो लाइनें दी हुई है। पॉइंट पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, इसमें कोई एक पॉइंट है पी। ठीक है, अ लाइन पी क्यू मीट सी डी एट आर, कोई पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू लाइन हो गई जो सी डी पे मिल रही है आर पे। ठीक है, यहां तक बात हो गई। हमको एंगल दे रखा है बी पी आर, यानी बी पी आर जो दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री, और हमको जो फाइंड करना है वो करना है सी आर क्यू, सी आर क्यू ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो इसके अंदर कुछ एंगल्स होते हैं ज्योमेट्री के, मैं बहुत जल्द वीडियो डाल दूंगा आप उसमें देखें। तो 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होता है, और ये पूरी लाइन 180 होती है, तो 180 माइनस 30 तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल सी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि है सेक अल्फा इक्वल्स टू 5/4 देन फाइंड टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, तो हमको जो गिवन है वो है sec अल्फा इक्वल्स टू 5/4। तो sec अल्फा क्या होता है, तो हम निकाल लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे ही अपनी ट्रिक है, इससे आ जाता है। तो साइन cos tan cot sec, तो sec चाहिए तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये ट्रिक आपको मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में मिल जाएगी, हिंदी में भी होती है लाल बटा कक्का, तो एल ए एल लाल बटा के ए, तो कर्ण अपॉन आधार, तो ये कर्ण हो गई और ये आधार हो गया। तो हम इसका डायग्राम बना लेंगे, तो ये दे रखा है हाइपोटेनियस 5, बेस दे रखा है 4, तो ये 4:3:5 का एक रेशियो होता है। तो ये हुई बात उसकी, हमको निकालना है टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर दे रखी है अपन को 3 और बेस दे रखा है 4, 3/4 ये हो गया। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे, हमको निकालना है टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाता है 3/4 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16, तो ये हो जाएगा 3/4 × 16/25, तो ये काट के अपने पास आंसर आ जाएगा 12/25, इसका राइट आंसर है। तो ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री का एक ही क्वेश्चन आता है और इजी सा आता है, ऐसी कोई हार्ड वाली ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ हद तक रीजनिंग जैसा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इट इज बिटवीन 12 PM एंड 4 PM, ये कह रहा है 3 और 4 के बीच में बज रही है, कुछ टाइम हो रहा है, एंड द
डिस्टेंस बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12-18 मिनट का स्पेस है। तो ये पूछ रहा है कि घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो हम इसको जो करेंगे क्लॉक बना लेंगे, ठीक है, 12, 6, 3, 9, और ये हमारी बन गई घड़ी, ठीक है। तो ये हो रहा है 3 से 4 के बीच में होना चाहिए वो काटा। अब कह रहा है वो 18 मिनट का डिफरेंस है इनके बीच में, तो अगर यहां पर मान लें आप, तो ये देखिए 5, 10, 15, 15 और ये 3, 18, तो इसके बाद होगा या तो टाइम, या फिर इधर से देखें तो 5, 10, 15 तो इसके बाद होगा टाइम। तो इससे पहले होते तो ये 3 और 4 के बीच में हो ही नहीं सकता, तो ऊपर वाला लेना नहीं है अपन को, इसके बाद का लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये होगा ऑप्शन से, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 3, 12 हो रही है, बी ऑप्शन है 3, 31, सी ऑप्शन है 3, 27 और डी ऑप्शन है 3, 36। तो अब आप देखेंगे 3, 12 यहां पर हो रही है, जो कि अपना आंसर नहीं हो सकता, यानी आंसर इसके बाद होगा अपना, इस लाइन के बाद होना चाहिए। तो 3, 12 नहीं हो सकता, 3, 31, 31 यहां पर आ रहा है, 31 भी नहीं हो सकता, 3, 27 यहां आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, 3, 36, ठीक है मैंने उल्टा लिख दिया, 3, 36, तो 3, 36 जो यहां पर होगा, तो ये ही अपना राइट आंसर है। ये तो अपने क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, 19 क्वेश्चन की। वो कह रहा है इन अ बैग देर आर कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपीज। एक बैग में 50 पैसे का, 25 पैसे का और 1 रुपए का कॉइन है, जो कि रेशियो में है 5:6:2 में, ठीक है। इफ देयर आर ऑल रुपीज 42, अगर टोटल 42 रुपीज है तो 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी सिंपल ट्रिक्स होती है कि अपन जो है इसको पूरे को पैसे में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले देखिए 50 पैसे का कितने कॉइन है, रेशियो दिया हुआ है 5, तो 50 पैसे × 5x ले लेते हैं। नेक्स्ट बात करें 25 पैसे की, तो 25 पैसे × उसका रेशियो दिया हुआ है 6, तो हम ले लेते हैं 6x प्लस 1 रुपए, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो हम इसको 100 पैसे में कन्वर्ट करके इसका रेशियो दिया हुआ है 2x इक्वल्स टू 42 रुपीज × इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 250x प्लस 150x प्लस 200x इक्वल्स टू 4200। इसको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 250, 300, 400 और 600, 600x इक्वल्स टू 4200। अब जब हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 20 से 20 कैंसिल आउट, 6 से ये आ गया 7, तो x की वैल्यू आई 7, ठीक है। ये तो केवल आई x की वैल्यू, हमको निकालने हैं कि 25 पैसे के कितने कॉइन है, तो 25 पैसे के कॉइन है 6x, तो हम क्या कर लेंगे 25 पैसे के कॉइन निकालने के लिए, 6 × 7 इक्वल्स टू 42 कॉइन्स है इसके, 42 कॉइन्स किसके हैं, 25 पैसे के। तो ये हुआ इसका डायरेक्ट आंसर। अपना लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हम देख लेते हैं। इन अ स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज आर 510। तो ये कह रहा है कि 70% गर्ल्स है, तो गर्ल्स होगी 70%, तो बाकी जो 30% बचे वो कौन हुए, वो हुए बॉयज। अब इसने हमको दे रखा है कि बॉयज जो है वो है 510, तो 510 बॉयज हैं, तो हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 510 बॉयज हैं, वो हुए 30%, तो टोटल निकालने के लिए हम करेंगे × 100%। तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 3 से ये कैंसिल आउट, 3 1 जा एंड 3 7 जा, तो टोटल आंसर आया 1700 इसका टोटल स्टूडेंट्स है, ठीक है स्कूल में। तो ये हुई आज की हमारी वीडियो रेलवे के मैथ्स के पेपर पर, कि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप ये वीडियो प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और मैं होती कोशिश ये करूंगा कि रीजनिंग का भी आपका जल्द से जल्द आपका वीडियो अपलोड कर दूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप इसको #SuccessTricks96 नाम से भी सर्च कर सकते हैं।